मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग दशम विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ संख्या 5 पाठ का नाम उत्साह अट नहीं रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि परिचय व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जीवन परिचय छायावादी कवियों में शीर्षस्थ स्थान रखने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिखादल में हुआ था। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। जनपद का अर्थ थाना। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो रियासत महिखादल के कोषाध्यक्ष थे। इनकी माता का देहांत तब हो गया जब निराला की उम्र मात्र 3 वर्ष ही थी। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र का अर्थ फिलॉसफी। इन्होंने 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। तत्कालीन समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। सन 1918 ईस्वी में पत्नी की मृत्यु होने से इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। उनकी प्रिय पुत्री जो एकमात्र थी सरोज की अकाल मृत्यु ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को हो गई। काव्य सौष्ठव। सौष्ठव का अर्थ सुंदरता, सौंदर्य। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विस्तृत का अर्थ चौड़ा, विस्तार। सरोकार का अर्थ संबंध। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट और उद्दात रूप उनकी रचनाओं में उपस्थित है। विराट का अर्थ विस्तार, बहुत बड़ा। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत में और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव बनाया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। भाषा शैली। निराला जी ने काव्य रचना में क्रांति ला दी। उन्होंने कविता को भी बंधन से छुड़ाया, उसे भी छंद बंधन से मुक्त कराया। उनकी कविता में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है। परिमार्जित का अर्थ अतिशुद्ध। बोलचाल की भाषा को साथ लेकर चलते रहे। भाषा के लिए वे कभी मोहताज नहीं रहे। मोहताज का अर्थ आश्रित। उनकी कविताओं में
संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है, कविता में पूर्ण प्रवाह है। धन्यवाद।